हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वह एथिक्स से संबंधित है, यानी नीति शास्त्र से संबंधित है। एथिक्स से संबंधित क्वेश्चंस यूपीएससी से रिलेटेड हैं तथा इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अतः सामान्य सा प्रश्न उठता है कि नीति शास्त्र का अध्ययन क्यों आवश्यक है और नीति शास्त्र वास्तव में क्या है। इन्हीं संदर्भों पर हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर योर सजेशंस एंड कमेंट्स। एक सहज सा प्रश्न उठता है कि नीति शास्त्र क्या है। तो एथिक्स शब्द अंग्रेजी का शब्द है, या ये कहें कि नीति शास्त्र को इंग्लिश में एथिक्स कहा जाता है तथा इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द एथिका से हुई है। एथिका का अर्थ है रीति, प्रचलन या आदत। अतः नीति शास्त्र रीति, प्रचलन तथा आदत का एक व्यवस्थित अध्ययन है। नीति शास्त्र में उन सभी का अध्ययन किया जाता है जो कि मनुष्य के आचरण के अभ्यास के विषय हैं, या ये कहें कि उसके कर्मों के द्वारा स्पष्ट होते हैं। मनुष्य के वे कर्म जिनके द्वारा वह अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है तथा उसके ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित हैं। कुल मिलाकर नीति शास्त्र आचरण से संबंधित है जिन्हें किसी उद्देश्य या इच्छा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यही कारण है कि नीति शास्त्र को आचरण शास्त्र भी कहा जाता है, या ये कहें कि आचार शास्त्र भी इसको कहा गया है, क्योंकि यह मनुष्य के आचरण का तथा उसकी ऐच्छिक क्रियाओं का समग्र तथा व्यवस्थित अध्ययन करता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, उसका आचरण का क्या आधार होना चाहिए। इसके अध्ययन के लिए भी नीति शास्त्र में दो मार्ग बताए गए हैं, या दो प्रकार बताए गए हैं। प्रथम यह कि मनुष्य का आचरण कैसा है, अर्थात वास्तव में यथार्थ की दृष्टि से मनुष्य कैसा आचरण कर रहा है, तथा आदर्श की दृष्टि से मनुष्य का आचरण वास्तव में कैसा होना चाहिए। यहाँ पर यही बात ध्यान देने योग्य है कि मनुष्य का आचरण आदर्श की दृष्टि से कैसा होना चाहिए, इसी का अध्ययन वास्तव में नीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। वे कर्म जिन्हें हम अच्छा, बुरा, उचित, अनुचित, सही या गलत कहते हैं, उन्हें ऐसा कहने की कसौटी क्या है, वे कहाँ तक ठीक हैं तथा उनके क्या तर्क सम्मत आधार हैं, नीति शास्त्र के अंतर्गत इन्हीं सभी चीज़ों को देखा समझा जाता है तथा इनके अंतर्गत इनका अनुशीलन यानी अध्ययन किया जाता है। नीति शास्त्र का प्रमुख कार्य मनुष्य के ऐच्छिक कार्यों की परीक्षा करके उन्हें नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित की संज्ञा देना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसे कि जैसा कि एरिस्टोटल ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः यह अनिवार्य है कि उसके चरित्र एवं संकल्प उसके नैतिक मानदंडों के अनुकूल हों। यहाँ पर कहने का अधिकार अभिप्राय ये है कि मनुष्य का चरित्र इस तरह का होना चाहिए, या उसका आचरण ऐसा होना चाहिए जो कि समाज के नैतिक मानदंडों के अनुरूप हो। वह समाज के नैतिक मानदंडों को डिस्टर्ब ना करे, या उनके मध्य किसी भी प्रकार का हिंड्रेंस पैदा ना करे, ताकि उसे जीवन के परम लक्ष्य यानी शुभत्व की प्राप्ति हो सके। ऐसा नीति शास्त्र में माना गया है, क्योंकि नीति शास्त्र में सर्वोच्च आदर्शों को प्राप्त करना, शुभत्व तथा सत्य को प्राप्त करना, इन्हीं सब फैक्ट्स पर एम्फसाइज किया जाता है। व्यक्ति का आचरण उसके चरित्र पर निर्भर होता है। चरित्र के अनुकूल व्यक्ति ही वास्तव में समाज के लिए आदर्श स्थापित कर सकता है। अतः इन्हीं संदर्भों को नीति शास्त्र के अंतर्गत देखा जाता। यह नीति शास्त्र की परिभाषा हुई, या ये कहें कि नीति शास्त्र का जो अभिप्राय है उसको स्पष्ट किया गया है। अब हम देखेंगे कि नीति शास्त्र स्वयं में और किन किन तथ्यों तथा विषय सामग्री को यानी सब्जेक्ट मैटर को सन्निहित किए हुए हैं, यानी नीति शास्त्र के अंतर्गत जो और एक्स्ट्रा अध्ययन आएंगे वो किस तरह के हैं। तो नीति शास्त्र यानी जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया है कि एथिक्स के अंतर्गत सही, गलत, उचित, अनुचित इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अधिक सैद्धांतिक दृष्टि से देखें या आदर्श की दृष्टि से देखें तो नीति शास्त्र के अंतर्गत आदर्श का अध्ययन किया जाता है, मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, तथा ये देखा जाता है कि मनुष्य में इतनी क्षमता हो कि वह सही, गलत तथा उचित और अनुचित के मध्य फर्क कर सके या उनमें अंतर पहचान सके। नैतिक दर्शन शास्त्र यानी एथिक्स है, वह केवल सही गलत का अध्ययन ही नहीं करता, वरन वास्तव में उनके व्यवहारिक परिणामों के अध्ययन को भी शामिल करता है कि वास्तव में इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। सबसे प्रमुख ये कि उसके अंतिम उद्देश्य क्या है, वास्तव में इसकी क्या परिणति होगी, जो भी कर्म किया जा रहा है उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, इन्हीं सब
चीज़ों को स्वयं के अध्ययन में शामिल करता है या ये कहें कि नीति शास्त्र के अंतर्गत इन सब का अध्ययन किया जाता है। अतः नीति शास्त्र को यदि शब्दों में परिभाषित करें तो चरम प्रसन्नता प्राप्ति के साधन के रूप में औचित्य या अनौचित्य यानी उचित या अनुचित के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन वास्तव में नीति शास्त्र है, ऐसा विद्वानों ने माना है। So we can say in the study of ethics, the systematic study of human actions from the point of view of their rightfulness or wrongness as means for the attainment of the ultimate happiness. इसके अतिरिक्त एथिक्स में कुछ अन्य तथ्यों को शामिल किया जाता है, जैसे अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, हमारे अधिकार क्या हैं तथा हमारी क्या जवाबदेही होनी चाहिए समाज के प्रति, स्वयं के प्रति, सही और गलत क्या है, उचित या अनुचित की भाषा कैसी है, नैतिक निर्णय क्या सही हैं क्या गलत हैं तथा इनकी कसौटी के कौन कौन से आधार होने चाहिए। कुल मिलाकर सरल शब्दों में कहें तो नीति शास्त्र को परिभाषित करना या इसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक विस्तृत कंसेप्ट है तथा इसके संबंध में कई दुविधाएं यानी कन्फ्यूजन्स भी समाज में व्याप्त हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं या कई समूह ऐसे हैं जो नीति शास्त्र की तुलना अपनी भावनाओं से करते हैं, किंतु वास्तव में नीति परख होने का अभिप्राय ये नहीं है कि आप किसी की भावना का अनुसरण करें तथा उसके अनुसार कार्य करें, क्योंकि भावना का अनुसरण करते हुए यदि कोई कार्य किया जाता है तो वास्तव में ये आवश्यक नहीं है कि किया गया कार्य सही हो। वास्तविकता यह है कि भावना नीति शास्त्र से भटक सकती है। नीति शास्त्र की पहचान धर्म के आधार पर भी उचित नहीं है कि धर्म के आधार पर ही कार्य किया जाए, बेशक अधिक क्योंकि समाज में धर्म नीति शास्त्रीय मानकों की वकालत करता है। अतः धर्म के आधार पर कोई बात सही है या गलत है इसको भी पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता है तथा नीति परक होने का अभिप्राय कानूनी रूप से अनुसरण करना या वकालत करना या कानून के आधार पर ये कहना कि ये सही है ये गलत है ये भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि राज्य का कानून या समाज का कानून एक समय में जो सही होता है वही दूसरे समय में तथा दूसरे देश काल में गलत हो जाता है। यानी एक बात जो एक समय में सत्य है वही बात दूसरे देश काल में परिवेश में तथा अन्य संदर्भों में गलत है, या एक व्यक्ति का मत एक देश काल में एक व्यक्ति के लिए सही है किंतु वही चीज़ दूसरे देश काल में दूसरे व्यक्तियों के लिए गलत है। अतः इन संदर्भों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि नीति शास्त्र के जो मानक हैं वो सही और गलत को समझने के संदर्भ में वास्तव में बहुत विस्तृत हैं तथा उनके लिए गहन सोच तथा तर्क सम्मत निर्णय की आवश्यकता होती है। कई बार ये कहा जाता है कि हमारा आचरण समाज के अनुसार होना चाहिए, लेकिन ये भी देखने में आता है कि समाज ही संपूर्ण रूप से भ्रष्ट होता है या समाज में जो मानक स्थापित हैं वो सही नहीं हैं। उदाहरण के लिए नाजीवादी जो समाज है वह जर्मनी के संबंध में समझा जा सकता है, या हमारे देश की विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएँ या अंधविश्वास ले लें जो कि प्राचीन समाज में विद्यमान थे या जो समाज की दृष्टि से तथा व्यक्ति की दृष्टि से वास्तव में सही नहीं थे किंतु वो वास्तव में समाज का विषय थे। उदाहरण के लिए सती प्रथा, बाल विवाह, बालक बालिकाओं का मजदूरी कराना या ये कहें कि बाल मजदूरी इत्यादि, ये वे समाज की कुप्रथाएं हैं या अंधविश्वास हैं या कमियां हैं जो वास्तव में सही नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो बात सामाजिक दृष्टि से सही है वही वास्तव में आचरण का विषय है। समाज में ऐसी कई कुप्रथाएं होती हैं जो कि आचरण का विषय नहीं होनी चाहिए। अतः नीति शास्त्र इन्हीं संदर्भों पर अध्ययन करता है, क्योंकि समाज में एक वर्ग किसी तथ्य को, किसी परंपरा को या किसी रीति नीति को, प्रचलन को, आदत को स्वीकार करता है तो दूसरा वर्ग उसे अस्वीकृत कर देता है, एक सिरे से पूरी तरह से नकार देता है। अतः ये नहीं कहा जा सकता कि समाज जिसे स्वीकार करे वास्तव में वही सही है। अतः फिर घूम फिर कर क्वेश्चन वही आ जाता है कि वास्तव में तो नीति शास्त्र फिर क्या है। तो नीति शास्त्र के अंतर्गत जो अन्य अध्ययन शामिल किए जाते हैं उनमें अधिकार, कर्तव्य, समाज के दिशा या ये कहें कि समाज को दिशा देना, निष्पक्षता, सदाचरण तथा मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इन्हीं सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त नीति शास्त्र में ईमानदारी, दया, निष्ठा, प्रेम, सदाचरण इत्यादि को भी सन्निहित या शामिल किया जाता है। इसमें जीवन के अधिकार, जोखिम में स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार इत्यादि को भी शामिल किया गया है। तथा ये भी एक स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन उठता है या नीति शास्त्र में कहा जाता है कि जब आप किसी निर्णय के संदर्भ में कन्फ्यूज हों तो स्वयं से पूछें कि वास्तव में मुझे नीति शास्त्रीय मानकों के आधार पर
क्या करना चाहिए या मेरा आचरण कैसा होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन जब हम अपने आप से पूछेंगे तो वास्तव में हो सकता है कि हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए। नीति शास्त्र में कई प्रकार की दुविधाएं भी आ जाती हैं, यानी एथिकल डिलेमा जिनको कहा जाता है। अतः इस तरह के निर्णय लेना भी कई बार परेशानी का विषय बन जाता है, या ये कहें कि स्पेसिफिक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आपको अपना होमवर्क करना है, आपको सब्जेक्ट मैटर नहीं मिल रहा है तथा आप परेशान हैं और टीचर ने कहा है कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प ना लें। ऐसे में आपका मित्र आपको सलाह देता है कि आप नकल कर लें, आप ऐसा करके अपना कार्य कर लेते हैं। पर यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि आपने जो नकल की है, क्या उसके संबंध में आपको अपने शिक्षक को बताना चाहिए? क्या ये सत्य है? और यदि आप उन्हें संपूर्ण सत्य से अवगत करा देते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या आपका जो मित्र है वो इस संदर्भ में आलोचना का पात्र बन सकता है, या शिक्षक उसकी आलोचना करेंगे? ये सभी चीज़ें नीति शास्त्र के अंतर्गत आ जाती हैं कि वास्तव में क्या सही है, क्या गलत है, कैसा निर्णय करना चाहिए, किस तरह से आचरण करना चाहिए। ये नीति शास्त्रीय यानी एथिकल डिलेमा कहलाते हैं, क्योंकि आपके सामने कई विकल्प उपलब्ध होते हैं और आपको उपलब्ध विकल्पों में से किसी सही विकल्प को चुनना होता है। इसके अतिरिक्त नीति शास्त्र में ये भी देखा जाता है, उदाहरण के लिए एक सेल्समैन है, वह अपने उत्पाद की गुणवत्ता के संदर्भ में यदि बहुत ज़्यादा सच्चाई बोलता है या सही चीज़ों को बोलता है तो हो सकता है कि इसके परिणाम स्वरूप वह बिक्री तथा अपनी छूट गवा दे, चीज़ों को सही तरीके से ना बेच सके। अतः ये दुविधा का विषय बन जाता है कि वह कितना सत्य बोले और कितना असत्य। यहाँ पर जो नीति शास्त्रीय प्रश्न आएंगे वो ये है कि वह यदि ऐसा कर रहा है तो क्या ये सामाजिक मानकों के अनुरूप है, क्या यह सत्य का अनुसरण करने वाला विषय है, यानी यदि वो असत्य बोल रहा है तो क्या उसको ऐसा करना चाहिए। व्यक्तिगत सिद्धांतों के उत्तरदायित्व के अंतर्गत तथा धार्मिक शिक्षा एवं विश्वासों के अंतर्गत जो भी आपके बिलीव्स हैं, जो विश्वास हैं, उनके अनुसार क्या आप जो असत्य बोल रहे हैं या जो आचरण कर रहे हैं वो सही है? ऐसा करने के बाद आप स्वयं के बारे में कैसा महसूस करेंगे, किस तरह का निर्णय ले सकेंगे अपने बारे में? ये सभी चीज़ें एथिकल डिलेमा कहलाती हैं, या ये कहें कि नीति शास्त्रीय दुविधाओं के अंतर्गत आती हैं। अब दार्शनिक अनुशासन की दृष्टि से यदि हम देखें तो दार्शनिक अनुशासन के दृष्टिकोण से नीति शास्त्र उन मूल्यों एवं दिशा निर्देशों का अध्ययन है जिनके द्वारा हम अपने जीवन को सही डायरेक्शन देते हैं। यह केवल ये नहीं कि हमने उन चीज़ों को अपना लिया जो कि समाज में परंपरा के रूप में या रीति रिवाजों के रूप में विद्यमान है, बल्कि वे सार्वभौमिक मूल्य, वे सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल ट्रुथ या सिद्धांत जिनके द्वारा हम नैतिकता को पहचान सकें तथा नैतिक आचरण जान सकें। आपका निर्णय नीति शास्त्रीय है या नहीं है इसको जानने के लिए कई प्रकार के तरीके नीति शास्त्र में डिफाइन किए गए हैं, जिनमें से लोक औचित्य शर्त, इसमें पब्लिक जस्टिफिकेशन क्राइटेरिया भी शामिल है। इसके अंतर्गत सामाजिक मानदंड आ जाते हैं, यानी लोक यानी समाज इसके संदर्भ में क्या औचित्यपूर्ण सोच को ग्रहण करता है, इन्हीं संदर्भों को देखा जाता है तथा सोचा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपने कोई निर्णय लिया है सार्वजनिक दृष्टि से तो आप उसके संदर्भ में कैसा महसूस करेंगे तथा समाज की उसके संदर्भ में किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, वह नीति शास्त्रीय है या नहीं है, आपका कोई कदम एथिक्स से रिलेटेड है या नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि वास्तव में एथिक्स जीवन की आवश्यकता है, बिना लक्ष्य के, बिना अच्छे आचरण के कोई भी व्यक्ति तथा कोई भी समाज सही दिशा को, सही निर्देशन को तथा शुभत्व को एवं सत्यता को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः नीति शास्त्रीय मानकों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।